नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, यह वीडियो बनाया गया है हमारे परिवार के बच्चों की मदद के लिए, मदद आपके एकेडमिक्स में। आजकल देखा गया है कि बच्चा बहुत तैयारी करके जाता है, लेकिन समाज, स्कूल और स्वयं आपका, हमारा बच्चे पर इतना दबाव होता है कि वो कापी लिखते वक्त भूल जाता है, और वो तैयारी जो उसने पूरे साल करी होती है उसको उचित रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता है जिसका वो हकदार है। हम आपको बताएंगे साथियों, होम्योपैथी में इस एग्ज़ाम से पहले के डर को, जिसको कि एग्जामिनेशन फंक भी कहते हैं, उसको दूर करने की 5 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, वह दवाएं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि यह दवाएं देने के बाद बच्चा ABC 3 कापी भरेगा। हम लोगों का दौर था जब हम लोग UP बोर्ड एग्जाम देते थे, अब तो मार्किंग बड़ी ही पॉइंट टू पॉइंट हो गई, लेकिन हम लोग के टाइम तो कापी भरने का संघर्ष था। जो जितनी कापी भरेगा उतना नंबर पाएगा। और हम लोग को भी, मैं ये आज आपसे एडमिट करूँगा कि जब कुछ नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ लिख के कापी ज़रूर भर देते थे और नंबर भी मिल जाते थे। अब परिस्थितियाँ अलग हैं, अब पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, हर स्टेप का नंबर होता है। मैथ्स में अगर आपका आंसर गलत भी है, लेकिन अगर आपके स्टेप सही हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो आपको कुछ नंबर ज़रूर मिलते हैं NCERT के एग्ज़ाम में, या NCERT द्वारा कंडक्ट करे गए करिकुलम में। हम आपको बताएंगे साथियों, आपके डर को ख़त्म करने की, जो एग्जामिनेशन से जस्ट पहले आपके होता है, 5 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, ताकि आप जीवन में और पढ़ाई में दोनों में अव्वल आ सकें। जीवन में अव्वल आने के तमाम वीडियो इस चैनल पर हैं, और पढ़ाई में अव्वल आने के लिए मैं आपको कई वीडियो मैंने बनाए हैं, कोई कंसंट्रेशन पर है, मेमोरी पे है, तमाम है, उसी की श्रृंखला में ये है कि आपको एग्जाम जाते वक्त एग्जामिनेशन फंक ना हो, आपको डर ना लगे। बताते हैं साथियों, आपके डर को ख़त्म करने की, या आपके बच्चे के डर को ख़त्म करने की, एग्जाम में जाने से पहले के 10 कारगर, या बल्कि कहूँ 5 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो होम्योपैथी की टॉप मेडिसिन है आपके एग्जामिनेशन से पहले के डर को ख़त्म करने की, वह है वो स्थिति कि जब आप डरते हैं फेल होने से। भाई, एग्ज़ाम में 2 बातें होती हैं, मतलब ऐसे तो नंबर की बात होती है, लेकिन एक होती फेल या पास, या तो आप पास हो गए या आप फेल हो गए। तो जिनको फेल होने का डर होता है, उस कारण वो बहुत नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम देने में, या एग्ज़ाम देने से पहले घर पर ही, और उनको पॉटी भागना पड़ता है, स्टूल पास करने भागना पड़ता है, उनको अर्ज होती है स्टूल पास करने की। अगर यह स्थिति साथियों आप अपने बच्चों में देखते हो, तो उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस स्थिति में दे सकते हैं, जब आपके बच्चे को एग्ज़ाम में फेलियर का डर हो, एग्ज़ाम जाने से पहले वो, उसको स्टूल मोशन की अर्ज होती हो और वो पॉटी जाता हो, और वो स्कूल भी जाता हो तो वहाँ से भागने का प्रयास करता हो, तो अगर यह सिम्टम हो तो आर्जेंटम नाइट्रिकम आपके बच्चे की दवा है। यह दवा देने पर आपका बच्चा क्लास में अव्वल आएगा, पूरे जो सेक्शंस होते हैं सारे सेक्शंस में अव्वल आएगा, और स्कूल में अव्वल आएगा। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम दे के उसके एग्जाम से पहले के डर को ख़त्म कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आ सकती है कि एग्ज़ाम से पहले इतना ज़्यादा बच्चा घबराया कि वो एग्ज़ाम देने ही जाने को नहीं तैयार है, उसको बहुत कमजोरी आने लगी, बहुत जो है उसका लेट गया बिस्तर पे आपके घर में। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस आने लगती हो कि वह एग्ज़ाम देने जाने को ही ना तैयार हो, सारी तैयारी के बावजूद, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जेलसीमियम सेमी परवायरेंस। जेलसीमियम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं जब बच्चे का बहुत कमजोरी आ जाती हो, और वो घर से ही उसको स्कूल तक जाने में बहुत दिक्कत आ जाती हो एग्ज़ाम के पहले, यह दवा उसको ठीक करेगी। और जेलसीमियम के पेशेंट को साथियों प्यास नहीं लगती है, थर्स्ट बहुत कम होती है, तो अगर यह सिम्टम हो तो आप समझ लें आपके बच्चे को जेलसीमियम की ज़रूरत है, आप इस दवा को दें और क्लास में नंबर 1 पोजीशन पर लाने में उसकी मदद करें। एक स्थिति साथियों आपके बच्चों में आ सकती है कि वो अटेंशन ना पे कर पाते हों और नंबर कम हो जाते हों एग्ज़ाम में, इस कारण एग्ज़ाम देने गए
और वहाँ पे अपना अटेंशन फिक्स नहीं कर पाए एग्ज़ाम पे, पेपर पे पूरा ध्यान नहीं दे पाए और सब कुछ आते हुए भी कापी खाली छोड़ा है या कम काम करके आए। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एथुजा साइनेपियम। आप एथुजा साइनेपियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा आपके बच्चे का जो अटेंशन पेपर पे नहीं दे पा रहा एग्जाम में, उसका माइंड वेनरेबल हो रहा है, हर तरफ घूम रहा है, हर दूसरी बातों पे जा रहा है, तो एथुजा उस दवा उसको ठीक करेगी, उसके अटेंशन को फिक्स करेगी क्वेश्चन पेपर पे और उसके सिम्टम को ठीक करके उसको क्लास में नंबर 1 पोजीशन पर लाएगी। एक स्थिति आ सकती है साथियों आपके बच्चे के सामने कि उसने साल भर बहुत पढ़ाई करी और फिर उसके इस ओवर एग्जर्शन ऑफ माइंड से जब वह एग्ज़ाम देने गया तो कुछ कॉपी में लिख नहीं पाया। वो इतना उसने पढ़ाई कर ली कि उसके बाद जब मौके पे वो जो है कमज़ोर पड़ गया। अगर यह स्थिति साथी है कि आप समझते हो आपका बच्चा बहुत पढ़ाई करता है और बड़ी तैयारी से एग्ज़ाम में जाता है फिर भी उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसको एग्ज़ाम में नर्वसनेस आ जाती है, वो भूल जाता है। तो अगर यह स्थिति साथियों है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। आप एनाकार्डियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, जहां पर आप अपने बच्चे में ओवर एग्जर्शन ऑफ माइंड की स्थिति देखते हो, वो बहुत पढ़ाई करता हो लेकिन मौके पे कमज़ोर पड़ जाता हो, एग्ज़ाम में कापी ना लिख पाता हो, तो आप एनाकार्डियम दवा देकर उसको क्लास में अव्वल नंबर 1 पे ला सकते हैं। एक स्थिति साथियों आ सकती है आपके बच्चे के सामने कि उसके एग्ज़ाम में पढ़ाई कर रहा हो लेकिन एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे हों। उस मेंटल स्थिति में जब उसको लगता हो कापी लिखते वक्त, वो आपको आके घर पे बताता भी हो कि कापी लिखते वक्त उसको लगता हो कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो अगर यह स्थिति हो कि कापी लिखते वक्त उसको लगता हो कि वह पास नहीं हो पाएगा, उस कारण वो कापी ही ना लिखता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 200 पावर में 2-2 बूंद सुबह शाम उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके बच्चे को एंटिसिपेशन होता हो कि वह पास नहीं हो पाएगा, इस कारण वो कापी ही नहीं लिखता। लाइकोपोडियम के पेशेंट का आमतौर पर पेट खराब रहता है, पेट में गुड़गुड़ाहट और गैस बहुत बनती है और उसको मीठी चीज़ें खाना पसंद होता है और उसकी तकलीफ़ें शाम को 4 बजे के करीब बढ़ती हैं। तो अगर यह सिम्टम आप अपने में देखते हो तो लाइकोपोडियम आपकी दवा है, आप लाइकोपोडियम दवा को लेकर अपने को ठीक कर सकते हैं। ये साथियों कुछ दवाएँ थीं आपके बच्चे को एग्ज़ाम से पहले के डर को दूर करने की, वह डर जो उसको स्कूल में अच्छे नंबर नहीं लाने देता है, सारी तैयारी के बावजूद पूरे साल की वह डर जो आपको डरा देता है, यह दवा आपके डर को भी दूर करेगी और उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके बच्चे को नंबर 1 पोजीशन पर लाने में मदद करेंगी। साथियों दवाएं हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे मेंशन है नोटिफिकेशन में, उस पर अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा या नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख दीजिएगा, उसको कहीं ना कहीं नोटिस करके प्रयास किया जाएगा, जवाब दिया जाए। साथियों अगर यह वीडियो आपको इस देश के बच्चों के हित में लगा हो, विदेश का इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि विदेशी बात ही नहीं समझ पाएंगे हिंदी हम लोगों की, तो अगर आपको देश के बच्चों के हित में लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।